भाइयों आज हम आ चुके हैं हमारे गांव के माता रानी के मंदिर में। ये प्रसिद्ध मंदिर है माता रानी का, यहाँ कहा जाता है कि सबकी मनोकामना पूरी होती है। ये कुंड रानी का मंदिर है। तो गैस ये कुंड है माता रानी की, बहुत प्रसिद्ध कुंड है, यानी काफ़ी पुरानी भी है, और कहा जाता है इसमें सदैव पानी रहता है। तो आप देख सकते हो कि अभी ताला लग रखा है ना, मंदिर जाके आपको पूरा अच्छे से बताते हैं। और ये माता रानी का मंदिर यहाँ काफ़ी पुराना है, यानी कहा जाता है कि हमारे पूर्वजों का है। तो चलो आपको एक और चीज़ बताते हैं, यानी कि यार कहते हैं कि माता रानी के पेड़ होते हैं ना, वो यार पहाड़ पर बने हुए हैं। तो वो पेड़ आज आपको दिखाते हैं कैसे लोग कैसा दिख यहाँ पर भी एक पेड़ शायद माता जी। हाँ ये शायद यही क्या, और वो पता नहीं आपको ना बहुत दिन हो गया। तो आप देख सकते हो जो माता रानी का जो पेड़ है वो यहाँ पर बनाए रखा है। तो एक बार माता रानी का नाम ले लेते हैं हम। जय माता रानी की। जय माता कुंड रानी की। और दूसरा पैर कहाँ पे भैया? यहाँ से माता जी भागी थी। हाँ, कहा जाता है कि कोई चोर आए थे जिसके पीछे जो माता रानी थी, उन लोगों को पकड़ा था। जो माता जी का शेर होता है, यानी कि जो बोलते हैं ना माता रानी शेर पर सवार होती है, वो माता रानी का शेर चोर पकड़ के ले गया था। इसलिए यहाँ के चले चलो देखे उसको, पेड़ को देखो इतना खतरनाक लग रहा है। बाकी आप खुद देख सकते हो भैया, ये यहाँ का माता रानी का चमत्कार। यहाँ पे पेड़ दिख रहे हैं हमको, माता रानी के पेड़ दिख रहे हैं गड्ढे हुए। और ये यहाँ की मतलब अजमेर शहर की ये जानी मानी माता जी है, बहुत प्रसिद्ध माता रानी है, और इनकी प्रशंसा पूरे मतलब अजमेर के अंदर प्रसिद्ध है। बहुत श्रद्धा भाव से यहाँ से आते हैं, पब्लिक आती है इनके यहाँ पे, और 8 के दिन यहाँ के यहाँ पर पूजा होती है। ये रहे। ये ना ये देखो, ये माता रानी के पैर है, ये शेर के पैर है। तो यहाँ से माता रानी का शेर इस पहाड़ के ऊपर गया, इस पहाड़ के ऊपर गया, यहाँ से चढ़ता हुआ वो कुंड से निकला था। आपको दिखाया उधर पानी, वहाँ से निकला था और ऐसे ऊपर गया था। तो सच में यार आप सभी कमेंट बॉक्स जरूर लिखे जय माता दी की। जय माता दी। माता रानी के भक्तों से यही कहना चाहता हूँ, माता जी को दिल से मानिए, पूजा कीजिए, माता रानी आपको जरूर सहारा देगी। और गैस अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। थैंक यू। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिए जय माँ कुंडिया रानी की। जय माता दी।